डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे हमारा ग्रामर पोर्शन। तो हमारे ग्रामर में जैसा कि मैंने आपको बताया ही हुआ है कि आएंगे चैप्टर 18 आना है शब्द भंडार, जिसमें आपने रिवाइज करना है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और अनेकार्थक शब्द। तो बच्चों इससे रिलेटेड आज हम एक्सरसाइज जो है उसकी रिविजन कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। इच्छा का समानार्थी शब्द होता है आकांक्षा। सागर का समानार्थी नहीं होता सिंधु। सिंधु का समानार्थी, ठीक है, सागर का समानार्थी नहीं है। तो बच्चों इसका सिंधु नहीं है, इसका है असली आंसर है इसका जलधर। तो सागर का समानार्थी हमने, इन्होंने पूछा है कि जो नहीं है उस पर टिक लगाइए। तो सिंधु और रत्नाकर सागर के समानार्थी शब्द है और जलधर इसका समानार्थी शब्द नहीं है। उसके बाद है ईश्वर का विपरीतार्थक है अनिश्वर। पत्र का अनेकार्थी शब्द है पत्ता। इतिहास के जानकार को कहते हैं इतिहासकार। उसके बाद है पर्यायवाची शब्द, तो बादल को कहते हैं मेघ, घन या ठीक है आकाश भी कहते हैं। चंद्रमा को चांद या सलिल, कमल को जलज पंकज, वायु को हवा समीर, और अमृत को क्या बोलते हैं आपने पीछे देखा होगा, फिल किए होंगे, है ना, अमृत को बोलते हैं सुधा और पीयूष। उसके बाद है वन, वन का होता है जंगल या कानन। स्त्री का नारी या महिला। नदी का सरिता या नद। पक्षी का खग या चिड़िया। अगला है नाव, तो बच्चों नाव का क्या होगा पढ़ा है आपने, इसका होगा तरणी या फिर नौका, ठीक है। उसके बाद है विलोम शब्द, तो आकाश का पाताल, सरस नीरस, उपकार अपकार, इहलोक परलोक, बंधन मुक्ति, क्रुद्ध विनम्र, कृतज्ञ कृतघ्न, इच्छा अनिच्छा, सज्जन दुर्जन, स्थूल सूक्ष्म। इसके बाद है आपने वाक्यांशों के लिए एक जो शब्द का प्रयोग होता है उस पर उसका सही मिलान करना है, तो जिसके की आने की तिथि ना हो अतिथि, जिसका आकार हो साकार, जिसका अंत ना हो अनंत, जिस दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, जो कभी ना मरे अमर, जो कठिनाई से मिले दुर्लभ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो परिचित ना हो अपरिचित। इसके बाद है बच्चों अनेकार्थी शब्द, तो अनेकार्थी शब्द में है अंक, तो अंक का अनेक अर्थ होते हैं, गोद और नाटक का अंक, कर, कर का मतलब होता है एक हाथ और एक किरण, ठीक है, रोशनी सूरज की। जीवन का होता है जल या फिर प्राण, जलज को कमल भी बोल, कमल को भी जलज बोलते हैं और पंकज को भी। पृष्ठ, पृष्ठ का होता है पन्ना या फिर पीठ। सिंधु, सिंधु का होता है सागर या फिर समुद्र। उसके बाद है घन, घन को बादल भी बोलते हैं, घना भी बोलते हैं। हरि, हरि को स्वामी भी बोलते हैं, भगवान भी बोलते हैं। सुर, सुर का देवता, गाने का स्वर। चीर, चीर का वस्त्र या रेखा। उसके बाद है बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो काम सरल हो आसान। विष्णु का भक्त वैष्णव, जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि, जिसका आकार ना हो निराकार, जिसका अंत ना हो अनंत, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, ठीक है। तो बच्चों ये आपने इसकी अच्छे से एक्सरसाइज की रिवीजन करनी है, इसी में से आपका एग्जाम में आएगा। अब इसके बाद हम कर लेते हैं हमारा आगे का जो मैंने दिया हुआ है आपको अनुच्छेद, मेरा अनोखा स्वप्न। मैंने आपको ऑप्शन दी हुई है कि या तो आप मेरा लिखा हुआ लिख सकते हो या फिर अपना कोई लिखा हुआ अनुच्छेद भी, आपका जो अपना सपना आपको कभी आया होगा उसको भी लिख सकते हो एक पैराग्राफ में। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि कल रात मुझे एक स्वप्न आया, स्वप्न यानी कि सपना।
संध्या का समय था। चलते चलते अचानक रास्ते में मेरे सामने एक दरवाजा आया, जिसको खोलते ही मैं एक अनोखी जगह पहुंचा। मेरे सामने फूलों का राज्य था। पेड़ों पर रंग बिरंगे फूलों के साथ तरह तरह की मिठाइयाँ भी लगी हुई थी। तो जैसे ही मैंने उन पेड़ों की तरफ कदम बढ़ाया, जमीन खिसकने लगी। मैं जितनी भी कोशिश करूं आगे बढ़ने की, पर नाकामयाब रहा। इतने में जब मेरी आँख खुली तो मैंने पाया कि घर में सच में तरह तरह की मिठाइयाँ मौजूद थी। तब मुझे लगा कि काश सपने में कुछ और चीज़ भी देखी होती तो वो भी शायद मिल जाती। तो इतना सा ही है बच्चे आपका ये पैराग्राफ। तो अनुच्छेद के अलावा एक हमने करनी है एप्लीकेशन, जो कि है बहन को समय का महत्व बताते हुए पत्र लिखिए। तो इसको बच्चों अच्छे से लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस कर लेना। सबसे पहले एड्रेस लिखना है, उसके बाद तिथि, उसके बाद अपनी बहन को बोलते हुए कि स्नेहमयी बहन कृष्णा या सस्नेह सुभाशीष। तुम्हारा पत्र मिला। तुमने अच्छा प्रश्न किया है कि समय का क्या महत्व है। मैं यहाँ कुछ उपयोगी बातें लिख रहा हूँ, इन्हें ध्यान से पढ़ना और फिर इन पर विचार करना। समय बहुमूल्य धन है। हमारा जीवन भी समय से ही बना है। समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता, अर्थात लगातार ही चलता रहता है। समय को व्यर्थ गंवाने वाला मनुष्य जीवन में कभी सफलता नहीं पाता। मान लो तुम अपनी पढ़ाई पर प्रारंभ से ही ध्यान दे रही हो। समय ऐसे बीतता जाता है, पर इम्तिहान निकट आ जाते हैं तो उस समय एक साथ एक ही दिन में सारी किताबें पढ़ पाना संभव नहीं हो पाएगा। इस तरह तुम फेल हो जाओगी। इसीलिए तुम्हें निरंतर परिश्रम करना अनिवार्य है। तुम्हें जो कल करना है उसे आज ही करने की आदत डालनी होगी। समय का समय पर लाभ उठाने वाला व्यक्ति ही बुद्धिमान कहलाता है। समय को व्यर्थ की बातों में गंवाना मूर्खता के सिवा और कुछ भी नहीं है। उचित समय पर सब काम करने वाला जीवन में विजयी होता है। तुम्हारा भाई अनु। इसकी जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हो, अपनी बहन का नाम भी लिख सकते हो ऊपर, ठीक है, ये आपकी इच्छा है। तो जैसे यहाँ पर लेटर लिखा हुआ है आपने वैसा ही इसको लिखना है अच्छे से, बड़े ध्यान से सारी स्पेलिंग्स का ध्यान रखना, आपने कहीं भी कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा ग्रामर पोर्शन जो कि आपके एग्जाम में आएगा। तो आई होप सबने अच्छे से पढ़ लिया है और आगे अच्छे से रिवीजन इसकी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।